खबर मथुरा से, छात्र संघ के चुनाव व फीस बढ़ोतरी को लेकर NSUI ने किया BSA कॉलेज में प्रदर्शन। मथुरा के BSA कॉलेज पर आज NSUI के छात्र नेताओं ने छात्र संघ के चुनाव न होने पर BSA कॉलेज में लगातार हो रही फीस बढ़ोतरी को लेकर एक ज्ञापन। प्राचार्य की अनुपस्थिति में लॉ डिपार्टमेंट के हेड SK राय को सौंपा है। जानकारी देते हुए NSUI के जिलाध्यक्ष एडवोकेट हरीश पचौरी ने कहा कि NSUI प्रदेश में लगातार छात्र संघ का चुनाव न होने को लेकर आवाज़ उठा रही है। प्रदेश सरकार व यूनिवर्सिटी को ये भय है कि अगर छात्र संघ के चुनाव हो गए तो जगह जगह छात्र नेता पैदा हो जाएंगे और जो कॉलेजेस द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है उसका खुलासा हो जाएगा और इसी वजह से वो चुनाव नहीं करा रहे हैं। हमारी मांग है कि इसी सत्र में छात्र संघ के चुनाव कराए जाएं। साथ ही उन्होंने कॉलेज प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि कॉलेज द्वारा फीस में कई गुना बढ़ोतरी की गई है जिससे छात्रों को आर्थिक हानि हो रही है। और साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सुबह प्राचार्य ललित मोहन शर्मा महाविद्यालय परिसर में ही थे लेकिन उन्होंने जैसे ही हमारे कार्यकर्ताओं को देखा वो महाविद्यालय से चले गए। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस पद पर बैठकर हिटलर शाही करना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने अन्य की मांगे भी रखी। वहीं कॉलेज प्रशासन ने जल्द उनकी मांगे पूरी होने का आश्वासन दिया और ये भी माना कि कॉलेज में फीस बढ़ोतरी ज़रूर हुई है लेकिन उसका इस्तेमाल कॉलेज की व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए किया जा रहा है। NSUI के छात्र नेताओं ने आज आपको ज्ञापन सौंपा है, क्या उनकी मांगे हैं और आपकी तरफ से क्या आश्वासन उन्हें दिया गया है? उनकी जो भी मांगे हैं इसमें ये 5 या 6 मांग है इनकी। 6 मांग में मैक्सिमम मांगे तो अब पहले से ही हम लोग इनको पूरा कर चुके हैं। जैसे इनको महाविद्यालय में छात्राओं के लिए कॉमन रूम की व्यवस्था, कॉमन रूम पहले भी था आज भी है, अब वो थोड़ा और बढ़िया बन रहा है, टाइल्स वगैरह लग रहे हैं, थोड़ा ख़राब हो गया था इसलिए वो कुछ दिनों से बंद पड़ा था, उसको तोड़ के बनवाया जा रहा है। और इनकी छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग है तो छात्र संघ चुनाव अब प्राचार्य जी आएंगे तो उस पर बात करके सोची जाएगी। शासन का क्या निर्देश है, हमारे हिसाब से तो कहीं पूरे प्रदेश में किसी भी महाविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहे हैं तो शासन के निर्देश पे ही हम भी करा सकते हैं, अगर निर्देश होगा तो कराएंगे। एक प्रमुख मांग जो NSUI और EVP दोनों ही छात्र संगठन की है वो ये है कि कॉलेज में लगातार फीस वृद्धि की जा रही है। हाँ, इससे छात्रों को काफी आर्थिक हानि हो रही है, क्या लगातार कॉलेज की तरफ से कोई ऐसी फीस वृद्धि की गई? लगातार फीस वृद्धि नहीं होती, एक कमेटी बनती है फीस वृद्धि के लिए, वो कमेटी बनी थी, उसमें जो विश्वविद्यालय के अपने सॉरी जो महाविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में है जहाँ वो फीस बढ़ा सकते हैं उस अधिकार क्षेत्र में उन्होंने थोड़ी बहुत फीस बढ़ोतरी महाविद्यालय की है क्योंकि ये समय की मांग है कॉलेज के मेंटेनेंस वगैरह के लिए। अब देखिए जैसे अभी सोलर पैनल लगा है हमारे यहाँ गांव में, घरों में या व्यक्तिगत घर में आप सोलर पैनल लगवाइए तो 40% सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, लेकिन महाविद्यालय के नाम पर 1 रुपये सब्सिडी नहीं मिल रहे हैं। तो छात्रों को तो ये मांग करनी चाहिए गवर्नमेंट से कि भाई महाविद्यालय वगैरह को भी सब्सिडी दो, भाई यहाँ भी तो छात्र ही पढ़ते हैं। तो इन सब मूलभूत सुविधाओं को देखते हुए थोड़ी बहुत फीस बढ़ोतरी की गई और आप लोग घूम के देख सकते हैं महाविद्यालय में परिवर्तन आपको दिखेगा। ज्ञापन सौंपा है अपने किन मांगों को लेकर? देखिए आज हमने विभिन्न प्रमुख मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है जिसमें हमारी पहली मांग है छात्र संघ चुनाव, क्योंकि छात्र संघ चुनाव की मांग पूरे प्रदेश स्तर पर NSUI उठाती आ रही है। आप देखिए सरकार और महाविद्यालय कितना डरता है, सरकार ने बोला हमने जियो दे दिया छात्र संघ चुनाव का, पर महाविद्यालय और यूनिवर्सिटी चुनाव नहीं करा रही है क्योंकि इन्हें डर है अगर छात्र संघ चुनाव करा दिया तो छात्र नेता पैदा हो जाएंगे और इनकी जो भ्रष्टाचार ये लोग कर रहे हैं उसकी जड़ें ये हिला देंगे। दूसरी हमारी प्रमुख मांग है फीस वृद्धि। फीस वृद्धि कॉलेज ने इतनी ज़्यादा कर दी, आप सोचिए लॉ में 3,000 सीधे 8,000, कहीं पर 3,000 से सीधे 10,000, 6 से 12,000, आप सोचिए क्या इसी कॉलेज में गवर्नमेंट कोर्सों में फीस क्यों बढ़ रही है? KR कॉलेज नहीं है, आगरा कॉलेज नहीं है, क्या आप अपने मनमा के फीस बढ़ाएंगे? आप सोचिए ये कॉलेज किस स्तर पर बस डेवलपमेंट के नाम पर छात्रों का शोषण कर रहा है, फीस बढ़ा रहा है।
और बाकी की हमारी प्रमुख मांगें गर्ल्स कॉमन रूम, हेल्थ सुविधा छात्रों को यहाँ मिलनी चाहिए, प्राथमिक सुविधा हेल्थ की, और आपका क्या कहते हैं टीचर्स नियमित रूप से कक्षाओं में जाएं, प्रयोगशालाएं चलें, क्योंकि ये सारे मुद्दे छात्र हितों के हैं। इन लोगों को यहाँ पे रुक के इनके साथ करना चाहिए काम, ये लोग बस पैसा ले रहे हैं, अलग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। देखिए 10-10 रुपये यहाँ पे वसूल रहे हैं मोबाइल के उसके, आज देखिए, अच्छा आप लोग पहले से हमारा साथ दे रहे हैं, मीडिया हमेशा हमें सपोर्ट करती है, आप देखिए कितनी बार हम लोग ज्ञापन देने आते हैं, प्राचार्य कभी ऑफिस में नहीं मिलते हैं। सुबह जब मैं आया तो मुझे पता चली प्राचार्य कॉलेज में थे और चले गए, क्या छात्रों से इतना डर है प्राचार्य जी को? हम कोई हाथापाई करते हैं? हम कोई अशिक्षित व्यक्ति हैं? हम खुद उनके छात्र हैं? हम कोई यहाँ पे गुंडागिर्दी करने आ रहे हैं? अपनी मांग उठाना गलत है क्या? प्राचार्य जी को इस बात का डर है कि छात्रों का सामना मैं नहीं कर पाऊँगा? ये तो वो वाली बात हो रही है, सीट पर हिटलर शाही भी करूँगा और जवाब भी नहीं दूंगा, पर ये गुंडागिर्दी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, ये हिटलर शाही नहीं चलेगी। हम छात्रों की मांगों को मनवा के रहेंगे, आज नहीं तो कल प्राचार्य जी हमें मिलेंगे, हम दोबारा बड़ा आंदोलन करेंगे और ये मांगे नहीं मानेंगे। आश्वासन ये है कि हम ज़्यादातर मांगों को मान लेंगे, बोल रहे हैं कॉमन रूम हमारा तैयार है, हम चालू कर देंगे, बाकी की व्यवस्थाएं हमने कर ली, हम चालू कर रहे हैं अभी, पर संतोषजनक जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि प्राचार्य जी नहीं थे, वो चले गए हैं। लॉ के हेड एस के रॉय साहब हैं, उन्होंने ये ज्ञापन लिया है, उन्होंने आश्वासन दिया, पर हमें पता है कि जो मुखिया है वही कर सकता है, उनकी नहीं चलेगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हम प्राचार्य जी से दोबारा मिलेंगे और आपके ही माध्यम से जनता को बताएंगे कॉलेज में क्या हो रहा है, और हम इस बात की आवाज़ उठाते रहेंगे। अच्छा ये सुनिए, आप ही के माध्यम से बताना चाहता हूँ, क्या आप लोगों ने केआर कॉलेज की न्यूज़ नहीं चलाई? क्या आप लोगों ने काना माखन पब्लिक की न्यूज़ नहीं चलाई? ये कॉलेजेस नहीं है, ये स्कूल नहीं है, हम और जगह नहीं जा रहे, हम सारे कॉलेजों की बात कर रहे हैं। ये तो एक पक्षपात का आरोप लगाते हैं, क्योंकि जो चोर की दाढ़ी में तिनका होता है ना, डर है कि आवाज़ उठा रहे हैं, कहीं ये बात पूरे शहर को नहीं पता चल जाए कॉलेज में क्या चल रहा है। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जनकल्याण न्यूज़।